देखने आर्ट इंडिया न्यूज। प्रदेश में अलग अलग स्थानों और पदों के नाम बदलने का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नाम बदलने से अगर किसी चीज की गुणवत्ता में बदलाव आता है तो यह नाम बदलना सही है, लेकिन नाम बदलने के पूर्व उसकी व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में पदस्थ कुलपति के पदों के नाम परिवर्तित कर उसे कुलगुरु करने की कवायद शुरू की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस का इसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं कुलपति को कुलगुरु के नाम से कहे जाने को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि वह वर्तमान और भविष्य में नहीं बल्कि इतिहास में जीना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने से शिक्षा अच्छी होती है या फिर नाम बदलने से उच्च शिक्षा का स्तर पूरे देश में बढ़ता है तो यह नाम बदलना ठीक है, लेकिन अगर नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें, क्योंकि कुलपति नाम भी देश के लोगों ने रखा था और अब कुलगुरु करने से भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का मस्तक उच्च शिक्षा में ऊंचा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक जो सोच बन गया, विचार बन गया है कि वो वर्तमान में नहीं जीना चाहती या भविष्य में नहीं जीना चाहती, ये इतिहास में जीना चाहते हैं। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, 30-40% कमी कितने 20 सालों से बनी हुई है। मैं 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर 4000 के आसपास लगाए थे, उसके बाद फिर जहाँ है वहीं है। नाम बदलने से शिक्षा अच्छी होती हो, नाम बदलने से उच्च शिक्षा का मापदंड देश में और विश्व में नंबर वन होता हो तो बदलना चाहिए, और अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता हो तो ये लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। कुलपति भी इसी देश के लोगों ने रखा था, कुल गुरु भी रखना है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर इससे मध्य प्रदेश का मस्तक उच्च शिक्षा में ऊँचा नहीं होगा। आपने PSC की एग्जाम निकाली, उसमें अनियमितताएं, व्यापम किया उसमें अद्भुत अनियमितताएं, जो नौकरी करते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, जो PSC होती है उसमें कुछ ना कुछ लकुना निकल आता है, जो भर्तियां होती है उसमें चोरी और रिश्वतखोरी का बोलबाला हो जाता है। ये कुलगुरु